अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक है। 22 जनवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर 18 दिसंबर को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ठीक 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे। फिर 11:30 बजे तक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो पहुंचेंगे। उद्घाटन के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी से ही जनता को भगवान राम के दर्शन करने की अनुमति दे दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा कि भीड़ और सिक्योरिटी के मद्देनजर बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया है, लिहाजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उन्हीं लोगों को पूजा स्थल पर एंट्री दी जाएगी जिन्हें आमंत्रित किया गया है। अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जाएंगे, तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और कहा गया है कि जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया है वो घुस नहीं सकते। अब ये भी कंट्रोल किया जा रहा है कि भगवान राम का दर्शन कौन करेगा। ये कंट्रोल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि भगवान अपने दरबार में जिसको बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अगर भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको न्योता आया है, तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो लोग खुद पहुंच जाते हैं। उस पे क्या कहना, अब तो उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप जा रहे हैं? नहीं, ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया अभी तक। भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना। भगवान आप और हम सनातनी नहीं हो तुम? बिल्कुल हो ना। फिर सनातन धर्म में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।